प्रोग्राम हम अस्सलामुअलैकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामती का खैर होती है तो खुशियों से गरीब जिंदगी मारती है। आज ही मैं आपके साथ मसाला अरबी की रेसिपी थी, तो भी उसको मैंने 1 किलो मेरे पास ये अरबी थी अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर होती है तो खुशियों से गरीब जिंदगी मारती है। आमीन, अल्लाह ताला आप लोगों के बिजनेस में दस्तर खानों में बरकत करें। आमीन। मैंने जी ये आपके साथ मसाला अरबी की रेसिपी शेयर करनी है, इसके लिए मैंने 1 किलो जो थी ना अरबी ली, इसको मैंने वॉश करके नमक लगा के 1 चम्मच नमक लगा दो छोटी, और इसको मैंने 1 मिनट लिख लिया रख दिया था ताकि इसकी लेस वगैरह खत्म हो जाए। अब इसको मैंने वॉश किया, इसका पानी ड्राई हो गया, तो इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर ली ताकि इसी तरह सारी इसकी लेस खत्म हो जाए, इसका प्यारा सा हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो साथ इसमें डाल देंगे कि थोड़ा सा तेल दिया फाइनल सा, हल्का हल्का जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकालूंगी और इसी ऑयल के अंदर फिर इसका मसाला देगा, इतनी फ्राई करनी है, बाकी मसाले इसको बनाएंगे। अभी के लेस वगैरह इसकी सारी खत्म हो गई है, आप भी जब अरबी बनाएं इसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई जरूर करें। लेस आपने निकाली चाहिए, इसको आपने आधी चम्मच नमक लगा के एक छोटी चम्मच डाल के नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख देंगे, इसको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में इसका मैं मसाला रेडी हो। और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, सलामत रहें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूला करें। और जो भी रेसिपी बनाते हैं स्किप किए बगैर आप पूरी फॉलो किया करें, मुझे प्यारा से कमेंट करें, आप पूरा फीडबैक दिया करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर होती है और खुशियों से भरी जिंदगी नवाजे, अल्लाह ताला आप लोगों के रिजल्ट में दस्तर खाने का बदला लगी। इसमें जी मैंने ये अरबी 1 kg 1 किलो अरबी थी, इसको मैंने नमक लगा के इसको 1 घंटा रखा है वॉश करके, जिसको मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर लिया। अब इसी ऑयल में ये प्याज डाल दूंगी, ये मीडियम साइज के प्याज है, इनको मैंने ग्रेट कर लिया, ये डाल देंगे इसमें ताकि इसका अच्छा सा मसाला बन जाए। आधा कप इसमें ऑयल था, अब इसमें ये मैंने प्याज डाल दिया। बाकी इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह हैं जी, इसमें डाल दो। अब ये अरबी है मेरे पास 1 kg और ये 2 टमाटर हैं, इसको मैंने बड़े साइज़ के टमाटर थी इसकी मैंने ग्रेवी बना लिया, 1 प्याली दही की है और 1.5 चम्मच जो है 1.5 अदरक लहसुन की पेस्ट है, 1 मोटी इलायची है, 3 लौंग है और 4-5 चुमकी में काली मिर्ची है और आधी चम्मच के जीरा और 1 तेज़पत्ता का पत्ता ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो पिसा हुआ गर्म मसाला है, क्रश किया हुआ सूखा धनिया, ये थोड़ा सा सफेद जीरा क्रश किया हुआ, ये हल्दी आधी चम्मच, आधी चम्मच नमक की है, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच जो है ना ये चाट मसाला ये डालेंगे, और अदरक और सब्ज मिर्ची और धनिया ये गार्निश करेंगे। हल्का सा प्यारा सा कलर आने तक इसको हल्का सा कुक करेंगे, बाकी मसाले डालती जाऊँगी अपनी प्यारी फैमिली के साथ। इनको मिक्स करेंगे, आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में जो भी रेसिपी बनाती है उसको जरूर फॉलो किया करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूला करें। तो मुझे प्यारा था आप कमेंट जरूर फीडबैक करके भेजा करें और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी को, ईजी आसान और यमी जो नई आने वाली बच्ची हैं उनके लिए मैं रेसिपियाँ बनाती हूँ। इसको हल्का सा कुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट जस्ट, इसके बाद इसमें मैं डालूंगी टमाटर की बेस ब्यूटी, जो मैंने टमाटर 2 बड़े साइज के टमाटर को ग्रेट किया वो डाल दूँगी। अब ये टमाटर इसमें ऐड कर दूंगी, साथ इसमें डाल देंगे ये ड्राई मसाले, ये सारे अभी मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, इसको मिक्स करेंगे। ये बड़ा मज़े का जो है ना मसाला अरबी का जो है ना ये सालन तैयार होता है। मसाला आपने इसी तरह टाइम बचाने के लिए ना प्याज और टमाटर को ग्रेट करके डालेंगे ना जल्दी आपको मसाला रेडी। अब इसमें डाल देंगे जी योगर्ट, ये 1 प्याली योगर्ट है ये ऐड कर दीजिए, फ्लेम मैंने इसकी हाई की हुई है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी कुकिंग ना बन जाए और सारा मसाला जो है हमारा दही का पानी भी इसमें डाली हो जाए। हमें इसलिए पानी डालने की जरूरत नहीं महसूस हुई क्योंकि मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया, कि अच्छी तरह ग्रेवी को 5-7 मिनट इसमें फ्राई करेंगे, फिर इसमें अरबी ऐड कर देंगे।
अब इस तरह अरबी को फ्राई करके भी रखें फ्रीजर में, जब आप कटिंग करें मसाला भुने, आप गोश्त में डालें, चिकन में डालें, मसाले में डालें, बहुत मजे की जमी रुलती है ना ये अरबी सीजन के सब्जी रुलती है, आप जरूर खाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इसको मैं इसी तरह 5-7 मिनट हल्के हाथ से इसको खिलाऊँगी, उसको कुक करूँगी, फिर इसको कवर कर दूँगी, कवर मिर्ची धनिया और अदरक के साथ डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें मैं आधा ग्लास पानी भी डालती हूँ। अब इसको हल्की हल्की आँच से आपने इसको कुक करना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक किस तरह की लाइक करते हैं उसको नाप कर सकते हैं। अच्छी हो गई है, अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे ताकि थोड़ी सी जो अरबी में कसर है वो भी पड़ जाएगा उसे। हमने ये लाइट सी ना हल्का सा ग्रेवी टाइप का इसका मसाला बनाना है, ज़्यादा इसका शोरबा नहीं खाना। इसमें डाल देंगे सबक नीचे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कि कदर धीरे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए फिर मैनी फ्लेम पे, ताकि इसको ऑयल भी ऊपर आ जाए और अच्छी तरह भून के अरबी मल जाए। मजे के चलते हमारा मसाला अरबी रेडी हो गई है, आप भी इसी तरह ज़रूर बनानी है। ये देखिए बहुत मज़े का जमी जो सा ना हमारा मसाला रेडी हो गया। एक दफ़ा तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और घर वालों की दाद लेनी है, उनसे दुआएँ लेनी है। अल्लाह ताला भी आप लोगों के रिज़्क में दस्तरखानों में बरकत डाले, अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में बरकत डाले, आप लोगों की इसके ऊपर भी हल्के से धनिए की गार्निश कर लेंगे जी और साफ और और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें। आप पराठों के साथ खाएं, फुलकों के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े के जो है ना मसाला अरबी की ये रेसिपी है, आपने ज़रूर बनानी है और मुझे अपने फीडबैक देना है। और इसके साथ सैलड बनाई है ये मैंने जी, आपने साथ को पुदीने की चटनी बन के साथ खाएं और बहुत मज़े की रेसिपी है। अल्लाह ताला आप सबके रिजल्ट में दस्तरखान में बरकत डाले, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। मिलती हूँ जी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।